तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बहुत चर्चित बहुत प्रतीक्षित भर्ती एलटी ग्रेड प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की। आज कुछ छात्रों की वार्ता हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे पत्थर गिरजाघर में आज 23वें दिन भी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, कौन से बड़े ऐलान हुए और क्या मांगे हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जो नए छात्रों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला किस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस होगा और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी, लेकिन फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। और अगर इसमें आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर जो बाइलिंगुअल बैच है उसका नाम है सक्षम 4.0, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम 2.0, इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बिहार पीसीएस 17वीं बिहार पीसीएस के लिए जो बाइलिंगुअल बैच है उसका नाम है सक्षम 2.0 और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बैच का नाम है प्रथम, इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो कोर्स है, एप्लीकेशन है और अधिक जानकारी है वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के जल्दी से अपने जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं एलटी ग्रेड प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की। और चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से भी इन तीनों भर्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जो आने वाली भर्तियां हैं वो दूसरी भर्ती हैं, चाहे वो जीडीसी की वैकेंसी हो या अन्य वैकेंसीज हो, लेकिन एलटी के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। और बात सही है, आज जो छात्रों की वार्ता हुई है उसमें भी यही निष्कर्ष निकला है कि एलटी ग्रेड का जो अर्हता विवाद है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और जो प्रवक्ता भर्ती का जो अर्हता विवाद है वो भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों ने ये मांग की थी कि समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है और एलटी जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी पद के समकक्ष अर्हता का विवाद का समाधान शासन स्तर पर हो चुका, अतः इसका विज्ञापन भी अतिशीघ्र जारी किया जाए और एलटी 2018 की अवशेष रिक्तता सूची अतिशीघ्र जारी किया जाए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये मांग की गई थी और प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक जो शिष्टमंडल है उससे आज अधिकारियों की वार्ता हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 3 और 4 सचिवालय लखनऊ से पत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाना है और ये जो पत्र है अभी लोक सेवा आयोग नहीं आया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्रवक्ता भर्ती की, ये जो बात हुई है ये एलटी के बारे में जो मैंने बताया अनुभाग 3 और 4, और अगर हम लोग जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है जिसका अध्याचन लोक सेवा आयोग आया है उसके बारे में भी इसी प्रकार की जानकारी दी गई है कि माध्यमिक अनुभाग 2 निषादगंज लखनऊ से एक पत्र लोक सेवा आयोग को आना है जिसकी वजह से इसका जो विज्ञापन अभी जारी नहीं हो सकता है। ये दोनों पत्र जब तक लोक सेवा आयोग नहीं आएंगे तब तक भर्ती का विज्ञापन आपका जारी नहीं होगा। इसी प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में भी विद्यार्थियों ने उनसे पूछा तो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में भी जानकारी दी गई कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सिविल कार्यालय निषादगंज लखनऊ से पत्र आना है और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे वो एलटी की भर्ती हो, चाहे वो प्रवक्ता की भर्ती हो, लोक सेवा आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, साफ कर दिया है कि उनके बस में कुछ नहीं है जब तक ये पत्र जारी नहीं होंगे। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कुछ दिन पहले कि समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो समाप्त हो गया है, लेकिन पत्र ही है कि नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों की एक और मांग थी यहाँ इस पत्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि नया विज्ञापन 6 वर्ष बाद आना प्रस्तावित है, उक्त की दशा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाए। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये विद्यार्थी लोक सेवा आयोग गए थे। वहीं पर संयुक्त युवा मोर्चा का जो दूसरा गुट छात्रों का वो पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए है। इस कड़ाके की सर्दी आज धरने का 23वां दिन है और ये धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा जिसमें भी बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल एक भर्ती का मुद्दा नहीं है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का मुद्दा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद जोड़ने वाली बात हो या प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं जिन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं उनको भरने की बात की हो, तो आप लोग यहां से सुन सकते हैं संयुक्त युवा मोर्चा के संयोजक और युवा मंच के संयोजक राजेश सचान क्या कहते हैं। साथियों, आज ये धरना प्रदर्शन का 23वां दिन है
12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है। आप जानते हैं कि 15 फरवरी के आसपास आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ऐसे में समय बहुत कम है। जो कुछ दबाव बना के कराया जा सकता है उसमें 6 लाख वैसे रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम अभी यह क्षमता हमारे युवा आंदोलन में, प्रयागराज इलाहाबाद के साथियों में, उत्तर प्रदेश के साथियों में है कि ये 30 जनवरी तक अगर दबाव बनाने में हम सफल रहे तो 30 जनवरी तक विधिवत गठन इसका चयन बोर्ड का हो सकता है, शिक्षा आयोग का हो सकता है, और जो सीट वृद्धि का मामला है TGT PGT में 25,000 बताई गई है जनसंख्या रिक्त पदों की, उनको शामिल कराने का मामला हो सकता है। LT BEO और शिक्षक भर्ती जैसे तमाम बहुप्रतीक्षित जो विज्ञापन हैं उनको भी जारी कराने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन क्या नहीं होगा, परीक्षाएं जो अभी विज्ञापन भी निकले हैं, हमारी समझदारी से, हमारी जो समझदारी है, भविष्य की परीक्षाएं तो छोड़िए, उन वो परीक्षाएं चुनाव के दरमियान नहीं हो सकती हैं। कोई परीक्षा आचार संहिता लागू होने के समय नहीं हो सकती है, किसी गलतफहमी मत रहिए। उम्र सीमा में छूट का जो मुद्दा है इस पर भी सरकार दबाव में आ सकती है, और उम्र सीमा LT और कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य किसी भर्ती में देना पड़ सकता है, बशर्ते एक ओपिनियन बनाई जाए, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाए। तो या देखिए, सब ये मुद्दे हैं, लगातार ये चल रहा है, तो हमारे और भी साथी हैं। ये देखिए, प्रसिद्ध विद्यालयों का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि ये किसी ऐसे एक प्रतियोगी समूह का यह धरना नहीं है। 1,39,000 पद खत्म कर दिए गए हैं और 1,26,000 जो बचे हैं प्रसिद्ध विद्यालयों में उनको भी भरा नहीं जा रहा है, जबकि कहीं 200 बच्चों पर एक शिक्षक है, कहीं शिक्षा मित्र है 200 बच्चों पर। ये बुरी स्थिति है। तो ये स्थिति है प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग में यह स्थिति है कि भारी पैमाने पर जो सृजित पद हैं डॉक्टर्स के या पैरा मेडिकल स्टाफ के, वो खाली हैं, और अन्य विभागों में भी, बिजली से लेकर अन्य विभागों में भी यही हाल है। तो आपसे उम्मीद है कि इसमें प्रतिदिन 12 बजे से चल रहा है, आप आएंगे और 12 तारीख को बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। हमारे साथी हैं विजय मोहन जी, हम चाहेंगे छात्रों से ये अपील कर दें। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आज धरने का जो है 23वां दिन है, हम चाहते हैं कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आ करके धरने को सफल बनाएं और अपने मांगों को पूरा करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसमें छूट वृद्धि की बात हो रही है, अगर आप लोग आएंगे तभी जो है ये धरना सफल हो पाएगा, नहीं तो ऐसे 10x10 के कमरे में आप बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि ये धरना जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन आप लोग जो है 10x10 के कमरे में बैठे हुए हैं, कब से जो है यहाँ पे सब सम्मानित लोग जो है आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए आइए, लेकिन आप लोग जो है बहुत कम संख्या में पहुँच रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग जो है भारी से भारी संख्या में आएँ और धरने को सफल बनाएँ।